उदाहरण 5, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी समकोण है, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इस उदाहरण में प्रश्न में हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें कोण बी समकोण है और टेन थीटा बराबर 1 दिया है और हमें सिद्ध करना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और देखते हैं कि इस त्रिभुज में हमें कौन सी जानकारी दी गई है और उन जानकारियों के आधार पर हम जो सिद्ध करना है उसको किस प्रकार से सिद्ध कर सकेंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और कोण ए थीटा है, तो यहाँ हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में जानते हैं कि कोण बी 90 अंश है और कोण ए बराबर थीटा है तथा टेन थीटा बराबर 1 ये दिया हुआ है और सिद्ध करना है हमको इस दिए गए अनुपात के आधार पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी सूचनाएं हमको ज्ञात है। थीटा कोण दिया है, इसका मतलब ये बी सी जो है वो सम्मुख भुजा है और इसी प्रकार से कर्ण भुजा ए सी हो जाएगी और ए बी भुजा जो है आधार भुजा या जिसे हम संलग्न भुजा भी कहते हैं, तो यहाँ हम अभी आधार भुजा लिख लेते हैं। टेन थीटा इन तीनों भुजाओं में से किन भुजाओं का अनुपात होता है यदि हम ये जान लें तो हमें दो भुजाओं के मान ज्ञात हो सकते हैं और फिर हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि यह सम्मुख भुजा और आधार भुजा का अनुपात होता है, तो हम टेन थीटा बराबर लिख लेते हैं सम्मुख भुजा बटा आधार भुजा। तो चित्र में हम देखें कि इनका नामकरण हमने कैसे किया है, तो सम्मुख भुजा BC है तो हम इसको BC के रूप में लिखें और आधार भुजा है AB तो इसे हम लिख लेते हैं AB। इस तरह से tan थीटा बराबर हुआ BC बटा AB, लेकिन हमको दिया है tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1, इसका अर्थ यह हुआ कि BC बटा AB है वो 1 के बराबर हुआ क्योंकि tan थीटा बराबर है BC बटा AB के, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि BC बटा AB बराबर 1। तो ये यदि इसको हम तिर्यक गुणा करें तो हम इसको इस रूप में पाते हैं BC बराबर AB, इसका मतलब ये हुआ कि BC और AB दोनों के मान बराबर होंगे। हमें मान पता नहीं है, हम इसके लिए मान लेते हैं कि BC और AB दोनों बराबर हैं और यदि ये दोनों के मान जो है वो K है जहाँ K कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी धनात्मक संख्या जहाँ K एक धनात्मक संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम BC और AB के स्थान पर सम्मुख भुजा और आधार भुजा जो है वहाँ पर K लिख सकते हैं, तो सम्मुख भुजा BC है यहाँ हम K लिख लेते हैं और AB भुजा आधार भुजा है यहाँ पर भी हम K लिख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में दो भुजाओं के मान हमें ज्ञात है, एक तो AB भुजा है और दूसरा BC भुजा और तीसरी भुजा हमको ज्ञात नहीं है। तीसरी भुजा यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता चल जाएंगी और उसके बाद हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान भी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे जो सिद्ध करना है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 वो आसानी के साथ सिद्ध किया जा सकेगा।
तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे और उसकी सहायता से फिर इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में हम फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देखते हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हम ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा का वर्ग उसकी दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण भुजा AC है और दो अन्य भुजाएं AB और BC है, तो हम इसे लिखें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC का मान हमें ज्ञात नहीं है लेकिन AB और BC के मान ज्ञात हैं, तो AC का वर्ग बराबर AB का मान है K, तो K का वर्ग हो जाएगा। BC का मान भी K है, ये भी K का वर्ग हो जाएगा। इसको हम अब लिखें AC का वर्ग बराबर K का वर्ग धन K का वर्ग, तो दो बार ये है, इसे जोड़ लेते हैं। तो AC का वर्ग बराबर 2K वर्ग हो गया। हमको चाहिए AC का मान और यहाँ पर है AC का वर्ग, तो हम दोनों पक्षों का ले लेते हैं वर्गमूल। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इसको हम अब ऐसे लिखेंगे AC का वर्ग इसका वर्गमूल बराबर 2K स्क्वायर और इसका भी वर्गमूल। तो AC वर्ग का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आएगा AC, ये बचेगा AC, और 2 का वर्गमूल तो वर्गमूल 2 के रूप में लिखेंगे इसको, और K का K स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो केवल K होगा। इस तरह हमने तीसरी भुजा भी ज्ञात कर ली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि गलती ना हो, K इंटू वर्गमूल 2। तो तीसरी भुजा कर्ण भुजा भी हमने ज्ञात कर ली और इसका मान है के वर्गमूल 2। अब प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है उसमें हम इन तीनों भुजाओं का उपयोग करके साइन थीटा और कास थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं और उसे सिद्ध कर सकते हैं। अब हम यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं और कास थीटा निकाल सकते हैं। तो हम पहले निकालते हैं इसमें साइन थीटा। साइन थीटा ये अनुपात होता है सम्मुख भुजा और कर्ण भुजा का, तो फिर यहां लिख लेते हैं हम सम्मुख भुजा बटा कर्ण भुजा, और यहां हमारे पास मान सम्मुख भुजा का है के, ये के रख दिए, और कर्ण भुजा का मान है के वर्गमूल 2। सरलीकृत करेंगे, सरल करेंगे तो सरल अनुपात हो जाएगा इसका 1/2। इस तरह साइन थीटा का मान हमारे पास आया 1/2। अब हम कॉस थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा को हम लिखते हैं आधार भुजा और कर्ण भुजा के अनुपात के रूप में, तो हम इसे लिखेंगे आधार भुजा बटा कर्ण भुजा। आधार भुजा यहाँ पर है, चित्र में देख सकते हैं K लिखा है, ये K हो जाएगा। कर्ण भुजा है K वर्गमूल 2, ये बिल्कुल साइन थीटा की तरह ही आया है। और यहाँ भी जब इसको हम सरल करेंगे तो इसका सरल अनुपात होगा 1/2। अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के मान ज्ञात कर लिए। अब जो सिद्ध करना है उसको यदि हम देखें तो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा करना है और उसका दुगुना करना है, तो हम उसको लेकर चलें। अब ये देखें कि इन दोनों का गुणा करके इसमें दुगुना कर दें तो एक आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हम लिखते हैं, 2 लिख लेते हैं
दो का गुणा हो रहा है साइन थीटा के साथ में, इसका भी गुणा हो रहा है कॉस थीटा के साथ में। तो हम इसको लिखें, अब ये दो साइन थीटा का मान हमारे पास आया है, ये गुणा करके हम लिखते हैं इसको एक बटा वर्गमूल दो, और ऐसे ही कॉस थीटा का मान हमारे पास हमको मिला है एक बटा वर्गमूल दो। अब ये दो है इधर, वर्गमूल दो है और वर्गमूल दो है, तो या तो इन दोनों को गुणा करें तो ये आना चाहिए, या इसको इस रूप में तोड़ना चाहिए। तो दोनों ही चीजें होती है, हम इसको ये अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों इस परिमेयकारी गुणक है इसका, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये दो बटा दो ही हो जाएगा। तो हम क्या जान रहे हैं इसमें कि वर्गमूल दो का गुणा वर्गमूल दो के साथ होगा तो ये दो के बराबर हो जाता है, इसलिए इसको हमने दो लिख दिया। अब ऊपर का दो और नीचे का दो दोनों कट जाएंगे, दो एकम दो तो ये हो जाएगा एक। अब हम देख रहे हैं कि जो हमें सिद्ध करना था वो ये था कि दो का गुणा साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ में हो तो वो मान बराबर होता है एक के, और हम ये सिद्ध कर चुके। हमको यही सिद्ध करना था कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार आपने देखा कि त्रिकोणमिति अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम त्रिकोणमिति के अनुपात से संबंधित सवालों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं।